से हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड सो गाइस आज मैं बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट लाइफ का नाइन्थ एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है से ही जियो का हाथ पकड़कर अपने घर के लिए जाता है बस में से ही जियो का फ़ोन वापस करता है जो बस स्टॉप पर उस ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है वह फिर इतनी सारी मिस कॉल देख के हैरान होती है और फिर जियो अपना हाथ और सही का हाथ पकड़े हुए देखती है से ही ने उसका हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा होता है जैसे उसे खोने से डरता हो फिर वे दोनों घर में वापस आ जाते हैं से ही जियो से कहता है मैं बात लेने जा रहा हूँ लंबे समय से दौड़ने के कारण मेरा पसीना से ना मैं भीग चुका हूँ से ही अपनी रूम की तरफ जाता है जियो पीछे आती है सही कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही है तो उसे पता ही नहीं चलता अभी तक एहसास ही नहीं होता कि उसने हाथ अभी तक पकड़ा हुआ है फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं अगले दिन जियो सही से, से पूछती है कि अगर तुम्हें इस बारे में पहले से पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं सही कहता है तुमने ही कहा था बट मैंने जॉब बड़ी मुश्किल से हासिल की है मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता जियो कहती मुझे विश्वास नहीं होता बुक नाम ऐसा निकलेगा मैं उसके साथ काम करती थी फिर भी उसे जान नहीं पाई जियो थोड़ा शर्मिंदा फील करती है जिहो सरप्राइज़ होती है कि भोकनाम को हमारे फेक मैरिज के बारे में कैसे पता चल गया सही कहता है क्योंकि तुम्हारा तुमने मेरा नंबर लैंडलॉर्ड के नाम से सेव किया है सही पूछता है कि वाह मेरा नंबर लैंडलॉर्ड के नाम से क्यों सेव किया है फिर दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंट हो जाता है सही कहता है तुम मेरा नाम यूज़ कर फिर जियो पूछती है कि तुमने मेरा पता कैसे लगाया सही कहता है कि बोमी के अंकल पुलिस ऑफिसर हैं इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हारा पता आसानी से लगा लिया फिर दोनों मैच देखने लगते हैं उनकी फेवरेट टीम जीत जाती है जिस वजह से दोनों खुश होते हैं फिर सही जियो फिर से ही को थैंक यू बोलती है आने के लिए और अपने घर को हमारा घर बोलने के लिए फिर से ही कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम को वादा किया था कि वह हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा हमें तुम हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा यह वादा वो फ्यूचर तक में फ्यूचर में भी निभाता रहेगा जियो सोचती है सही कितना कितना अच्छा हस्बैंड है नाइट टाइम दोनों अपने रूम में होती हैं फिर जियो सेही को कॉल करती है और कहती है जब उसने कॉलेज में ग्रेजुएट किया था तो असिस्टेंट रूप राइटर के रूप में काम करना स्टार्ट किया था तब उसकी सैलरी एट हंड्रेड डॉलर थी जो कि बहुत कम थी तब उसके डैड ने डिमांड की थी कि वह खेतों में आके काम करना शुरू कर दे उसकी सैलरी भी ज़्यादा होगी इसके बावजूद उसने अपने करियर की स्टार्ट किया उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक फेमस राइटर बनेगी फिर उसे स्क्रिप्ट से प्यार होगा हर दिन उसे लिखने में मज़ा आने लगा फिर से ही उसके पास लाइफ में ना कोई अच्छा प्लान था ना ही उसने कभी कुछ प्लान करने के बारे में सोचा था आगे कहती है अगर मैं ज़्यादा सोचती तो शादी भी नहीं कर पाती उस लेकिन उसे एक रूम की ज़रूरत थी पर वो कहती है कि दो साल वह फिर से ही को अपने बीच जो लाइन खींचे हुई है उसे मिटाने के लिए कहती है वह अग्री हो जाता है से रिक्वेस्ट करता है कि वह दूसरे के सामने मुझे हस्बैंड बुलाया करे वह नहीं चाहता कि आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ हो वह यह ना सोचे कि वह अकेली रहती है वह बहुत ज़्यादा स्वीटनेस के साथ बोलता है कि दो साल तक वो मुझे ऐसे ही बुलाया करे आई मीन दो साल तक ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जीहू स्माइल करती है वह आगे पूछती है कि तुमने उस मुझे कैसे ढूंढता कहता है कि मैं बस स्टॉप पर गया था वहाँ तुम्हारा फ़ोन ज़मीन में पड़ा बचता हुआ मिला फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है वह जियो की फ़ोन की फ़ोटो चेक करता है फिर बोकनाम की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इस तरह की पिक सिटी स्केप की पिक होती है वह फिर जियो के लिए इतना ज़्यादा वरीड हो जाता है कि पूरे आधे घंटे की आधे घंटा ना पैदल चल के जाता है तेज़ दौड़ने के लिए वह अपने बैग और कोट सब कुछ फेंक देता है हाय से ही कितना कैरिंग है फिर जियो तक पहुँच जाता है उसे बचा लेता है कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जियो यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है जियो फिर अपने फ़ोन में लैंडलॉर्ड की जगह अपने हस्बैंड का नाम सेव कर लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है नेक्स्ट मॉर्निंग जियो से ही एक दूसरे का नाम बदल कर कॉन्टेक्ट आई डी देखते हैं दोनों ने अपने फ़ोन में हस्बैंड और वाइफ का नाम सेव किया होता है जियो फिर प्यार से फ़ोन को टच करती है जिस वजह से कॉल से ही को लग जाती है फिर वो बेड से भाग कर हॉल आती है से ही बाहर आता है और उसे पूछता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया फिर वह सब कुछ क्लियर करती कि फ़ोन गलती से लग गया था तभी किडनैपिंग वाली खबर सामने आ जाती इस टॉकर एंड किडनैपर दोनों पकड़े गए हैं उन्हें लगता है कि बोक नाम फाइनली अरेस्ट हो चुका है दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उधर ऑफिस में संघू और वोमी से ही से पूछते हैं कि बोकनाम के साथ क्या हुआ कहता है मैंने बोकनम को फिजिकली अटैक किया और उसकी एक्सपेंसिव बाइक को जमीन ज़मीन में फेंक दिया संघु और भूमि यह सुनकर हैरान हो जाते है बोमी कहती कल्प्रिट पकड़ा गया है फिर भूमि ना अपराधी की फोटो दिखाती है जो कि ऑब्वियसली बोक नाम नहीं होता है संघू और भूमि बताती हैं कि असली अपराधी ने फेक अकाउंट बनाया था डेटिंग ऐप पर ट्रेंडिंग बॉय बोक नाम की प्रोफाइल की पिक्चर को मिसयूज़ किया जाता है सही से घबरा जाता है फिर उसे ना बाइक की रिपेयरिंग का बिल याद आता है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा आने वाला होता है उधर जियो अपनी गलती से अनजान कैफे जाती है कैफे का ओनर नाम के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखते है जियो बहुत ज्यादा घबरा जाती है जियो को अभी भी लगता है कि बोकना स्टॉकर और किडनैपर है वह कैफे ओनर पहले सही के साथ बाइक की घटना के बारे में पूछता है कैफे ओनर फिर जियहो को चिल्लाना शुरू कर देता है उसे कहता है की बोकनाम कैफे ओनर को जब अपने डैड कहता है बस इसी टाइम जियो को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसे एक गलत फहमी हुई थी कैफे ओनर जियो को चिल्लाकर कहता है जाओ अपने हस्बैंड को बुलाओ अगले सीन में दोनों शर्मिंदा होकर बैठे होते हैं कैफे ओनर गुस्से से उन्हें डांटना शुरू कर देता है ऐसे ही और दोनों है दोनों सॉरी बोलते हैं सिर झुका के ओनर कैफे ओनर कहता है तुम अपनी गलत फहमी की वजह से बोकनाम की कीमती बाइक को तोड़ दिया और वो डांटना शुरू कर देता है तभी उसे कॉल आ जाता है फिर वो चले जाता है अब बोकनाम की बारी आती है डांटने की फिर वो गुस्से से ना सीट पर बैठ जाता है दोनों कपल को बताता है तुमने अपने डैड को इस बारे में नहीं बताया कि तुमने शक, नकली शादी की है वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कहते हैं हाँ ये सच है पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता लगा है फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है बोकनाम कहता है कि शादी वाले दिन मैं भी तुम उसी बस में था जिस बस में तुम दोनों जा रहे थे जब तुम दोनों शादी खर्च के खर्चे के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था यह बहुत ज़्यादा अजीब है संयोग से मैं भी उसी दिन तुम्हारी शादी में सर्वर के रूप में काम कर रहा था से ही जो अपने इंटरेस्ट के बारे में जब बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था कि यह एक नॉर्मल शादी नहीं है बल्कि एक फेक शादी है आगे बताता है कि अपने फ्रेंड के साथ जब शादी की तस्वीर लेने के बाद बोकडा बोमी से को सजेशन दिया था कि तुम दोनों कपल पोज दो तो तुमने मना कर दिया फाइनली तुम दोनों एक पिक्चर के लिए खड़े हो जाते हो तब वोक नाम कहता है कि तुम दोनों इतने दूर क्यों खड़े हो फिर मैंने कहा था तुम दोनों को कर किस करने के लिए तब तुम दोनों ने डिनाई कर दिया था लास्ट में तुम दोनों ने हैंडसेक वाला पोस्ट दिया था अब कहानी प्रेजेंट में आती है फिर जीहू पूछती है कि वो कल रात जो तुमने रिंच निकाला था उस... वो क्या था वोक नाम कहता है वह फिर वह एक बियर की बोतल लाता है और रिंच निका... लेकर आता है उन दोनों के सामने कैप ओपन करके दिखाता है फिर दोनों समझ जाते हैं वह बियर की बोतल का कैप ओपनर होता है यह सब सुन के दोनों बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं से ही फिर वोन से बात करके सारा मैटर सॉल्व कर देता है उधर जियो अपनी हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने जाती है जहाँ पर वोक नाम का टॉपिक छेड़ देते हैं गॉसिप के रूप में फिर बताते हैं कि बाइक का साइड मिरर बहुत ज़्यादा कीमती था और वह उस भुगतान इंस्टॉलमेंट में करेगी बाद में उसकी सारी फ्रेंड न्यूली मैरिड लाइफ के बारे में चर्चा करते हैं शादी के वाला फलाना टिमकाना जो भी है सारी बातें कर लेते हैं खुल के उनकी फिर फ्रेंड चली जाती है बाद में जी और रंग एक साथ वापस जा रहे होते हैं जी फिर जियहू कहती है तुम शादी क्यों करना चाहते तभी शॉप की तरफ दो स्टैचू रेड एंड ब्लैक कोट में खड़े होते हैं होरंग कहती है मुझे हमेशा से ऐसे कपड़े पहनना था होरंग कहती है कि मैं हर किसी की तरह एक नॉर्मल पारिवारिक जीवन जीना चाहती हूँ नेक्स्ट सीन में जियो बस में होती तभी उसका स्टॉप आ जाता है वह विंडो से सही से को देखती है सही बस स्टॉप पे उसका वेट कर रहा था सही पूछती है जियो पूछती है कि तुम यहाँ क्या करते हैं सही कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं थोड़ा वरीड हो गया था तुम भी लेट आ रही थी इसलिए दोनों फिर ना एक साथ घर चले जाते हैं अगले दिन वंशुक होरंग को रिंग देकर प्रपोज करता है वह रिंग देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है कि फाइनली अब मेरी शादी होगी और यह सब देखकर वो थोड़े इमोशनल टाइप हो जाती है उसका उसे आंखों से आंसू पूछता है अगले सीन में दिखाते हैं दोपहर को पूरी कंपनी कैफे जाते हैं जियो की फ्रेंड सूजी बोक नाम के बाइक के बारे में पूछ रही होती है सूजी ना वैसे ही बोक नाम के कंधे पे हाथ रख देती है या देख कर शंगू की आंखों में आंसू आ जाता है वह से ही नोटिस करता है संगू के मन सूजी की यादों से भर जाता है वह फिर कोने में जाकर जोर जोर से रोने लगता है तभी सूजी उसके पास आती है वह रोता हुआ उसे कोई और न देख लिया इसलिए उसे कार में ले जाती है संघु कहता है मैं कंपनी नहीं छोड़ सकता फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर सूजी ने कहा था अगर तुम मुझे डेट करना चाहते है, हो तो मैं अपनी कंपनी छोड़नी होगी कहानी अब प्रेजेंट में आती है यह सब सुन के उसे थोड़ा बुरा लगता है फिर ना उसे उस संघु को किस कर देती है हाय उधर से ही वेडिंग एल्बम देख रहा होता था अभी जीहो उसके पास आती है एक पिक को देख कर कहती है उसके फ्रेंड नहीं है ज़्यादा उसके बस दो फ्रेंड है सूजी और होरंग इन दोनों के मैं ज़्यादा क्लोज हूँ तभी से ही कहता है फ्रेंड जितने कम हो उतना अच्छा है कहता है जिंदगी में बस एक फ्रेंड काफी होता है से ही मुस्कुराती है फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं अगले सीन में जीहू से ही अपने रूम में होता है तभी उस एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लेटर होता है वो खोल के पढ़ता है जिसमें हम देखते हैं चौबीस दिसंबर दो हजार पाँच को एक मैरिज होती है जिसमें से ही हस्बेंड के रूप में और वाइफ जंग मीन नाम की एक महिला होती है जी फिर सीन कट हो जाता है फिर उधर दिखाते हैं जीहू अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि मुझे मुझे प्यार हो गया है वो भी अपने हस्बैंड से बस यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है सो so गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना थैंक यू सो मच गाइस लव एंड सपोर्ट के लिए